दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज सभी के लिए जो कि आप सभी के लिए बहुत ही कम समय बचा है, जो लोग व्यापम और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। कल का वीडियो हमने देखा था जिसमें भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज का भी है भारत का संविधान का पार्ट टू वीडियो। आज हम रिवाइज करके जाएंगे, यानी कि आपके पास सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती है यानी कि 29 जनवरी को है और आज आपका 23 जनवरी है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि 4 से 5 दिन बचा हुआ है। तो आप पढ़िएगा मत, सिर्फ रिवाइज करके जाइएगा एक बार, ठीक है। टेस्ट के रूप में डायरेक्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट दिलाइएगा, टेस्ट के रूप में टिक लगाते जाइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहले देखिए एक बात और है आप सभी के लिए, जो लोग फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, ठीक है। डेली क्लास कराया जा रहा है, और टाइम की बात करें तो 7:30 बजे और 8:30 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान सिर्फ आपको 3 से 4 दिन में रिवाइज करा रहा हूँ टेस्ट के रूप में। एक बार वीडियो को लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा, आपके एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास यह पहुंच सके, मैसेज ना करें। यहाँ पर देखिए, मैं क्लास करा रहा हूँ रिवाइज के रूप में, टेस्ट के रूप में, ठीक है। जो लोग पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम 12 फरवरी को है, सीजीपीएससी प्री का एग्जाम 12 फरवरी को है, और पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है आपका 29 जनवरी को है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो टाइम पास यहाँ ना करें, जिनको तैयारी करना है सिलेक्शन लेना है तो रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी यूपीएससी सभी एग्जाम में पूछा गया है, मेन्स में प्री में पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर यूपीएससी जितने भी है सब विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सभी क्या है, विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, कमेंट करें। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी को कमेंट करना होगा, जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, भाग 2 भाग 3 भाग 5 या क्या आएगा जल्दी से भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आपका आंसर डी होगा, भाग में मिलता है, ठीक है। चलिए भाग में बिल्कुल, देखिए जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में, एसएससी सीपीओ 2017, यूपीएससी ये सभी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, तो भारतीय संविधान में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। बिल्कुल टेस्ट के रूप में रिवाइज चल रहा है, एक बार पुलिस भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की क्लास चल रही है, आपके पास 5 दिन बचा हुआ है, रिवाइज करके जाइएगा, बिल्कुल कह रहा हूँ तैयारी कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा एक बार वीडियो को, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मौलिक कर्तव्य देखिए, पहले आपका 10 पहले आपका कितना था, 10 कितना था, 10 था, और अभी कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट करें, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए, यहाँ पर रिवाइज चल रहा है, सभी का आंसर कमेंट करें। बिल्कुल सही है, जितने लोगों का डी आया है यानी कि 11 बिल्कुल सही है, देखिए 16-17 लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल पर या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है। और कल का वीडियो आपने नहीं देखा है, कल का जो भारत का संविधान का जो क्वेश्चन कराया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। 51A अनुच्छेद 51A कितने लोगों का सही आया आंसर, सी 27 लोगों का आंसर आया है और 22 लोगों का आंसर ए आया है। तो देखिए जिन लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपको देखिए सभी एग्जाम में पूछा गया है यह टॉपिक, सभी एग्जाम में पूछा गया है, देखिए एसएससी पीओ एसएससी एमटीएस यूपीएससी जितने भी है सभी विगत वर्षों का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ, इसीलिए कह रहा हूँ रिवाइज करके जाइएगा दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्या पता ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पुलिस भर्ती के एग्जाम में यानी कि एसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर का।
इसका क्या है, मौलिक कर्तव्यों को डॉट डॉट यानी कि खालिस्तान संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, मौलिक कर्तव्यों को संशोधन के बिल्कुल सही आंसर आया है 25वां और बिल्कुल सही है। चलिए ये भी एग्जाम में पूछा गया, देखिए कितने सालों से आया हुआ है, SSC, CGL, UPSC, देखिए कितना BPSC प्री एग्जाम, CGPSC, ये सभी एग्जाम आया हुआ है, इसीलिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, क्या आएगा 5वां का आंसर। देखिए 5वां का जल्दी से 30 सेकंड का आपको समय है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समिति है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश है, स्वर्ण सिंह समिति, राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा। देखिए यहाँ पर रिवाइज करना जरूरी है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ए। देखिए ए 70 लोगों का आंसर आया है, 70% लोगों का स्वर्ण सिंह समिति, और बिल्कुल सही है, स्वर्ण सिंह समिति ही आएगा। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए थे, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य, इसका आंसर आप कमेंट करिए फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा क्या आएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, जल्दी सहीएगा, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही है 1976 में, बिल्कुल सही है 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे, बिल्कुल सही है आंसर, कमेंट आ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते जाइएगा, ठीक है, रिवाइज करते जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए निम्न में से किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया, कौन सा मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा 7वां का। और देखिए 7वां का डी आंसर आ चुका है USA के संविधान से, ठीक है, USA के संविधान से, बिल्कुल सही है, जो मौलिक कर्तव्य है आपका USA के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करते जाइएगा, ठीक है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, एक बार रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, यूजफुल वंडरफुल ब्यूटीफुल कैसा लग रहा है कमेंट तो करिए। यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, यहाँ पर देखिए भारत की जो प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करे, ये कौन सा उपपद में लिया गया है, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका डी, ठीक है, जितने लोगों ने आंसर डी दिया है, मूल कर्तव्य, बिल्कुल सही है। देखिए 99 लोगों का आंसर आया है, यानी कि सही तैयारी चल रहा है, यहाँ पर आपका सही तैयारी चल रहा है, जल्दी से आप लोग भी कमेंट करके बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या रहा है। सभी लोगों तो आंसर दे रहा है, आप पीछे क्यों हैं, आपका आंसर फर्स्ट में आना चाहिए, आपका नाम फर्स्ट में आना चाहिए कि सर हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा टॉपिक लेकर आइए, ऐसा कहिएगा, ठीक है, हम अच्छा डेली क्लासेस करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। नितेश राजेश कह रहा है कि सर कल का वीडियो हमने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया ना भाई, जाइए डिस्क्रिप्शन के नीचे, ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए पहले, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, टेस्ट के रूप में, उसके बाद वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि जो पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम है आपका 29 जनवरी का, यानी कि आपके पास 5 दिन बचा हुआ है, ठीक है, जाइएगा कंप्लीट कर ले, रिवाइज कर ले, पढ़ने का समय अब बिल्कुल नहीं है, रिवाइज करिएगा, आप दिक्कत नहीं, टेंशन ना लें, ठीक है, टेंशन ना लें, रिवाइज करते जाइएगा, गलत होगा सही होगा आपको याद तो होगा कम से कम, ठीक है। क्या आएगा इसका, भारत की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा, ये इसका आंसर क्या आया था, कितने लोगों ने आंसर दिया था इसका पिछले वीडियो में, एक बार फिर से रिपीट हुआ है, मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता का, बिल्कुल देखिए तीसरे में रखा गया है, देखिए 70 लोगों का आंसर आया है, यहाँ पर 70 लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर 70 लोगों का आंसर आया है तीसरा, बिल्कुल सही है, इसको बताइएगा क्या आएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, अब आधारभूत ढांचा नहीं है बोला है भारतीय संविधान के लिए, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही है, देखिए 90 लोगों का आंसर यहाँ पर कमेंट आना स्टार्ट हो गया, 99, अब देखिए 99% आंसर आया है सी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, तो कौन सा प्राप्त नहीं है उपबंधों के लिए, क्या है, कानूनी अनुशक्ति,
चलिए आंसर ए किस कितने लोगों का आया है और आंसर बी कितने लोगों का आया है, यह नहीं है ना ये दोनों। भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, तो आंसर ए 63 लोगों ने दिया है, सिर्फ 63 लोगों ने, और बी 53। अरे कैसा कैसा कर रहे हो भाई, 100% आना चाहिए आंसर यहाँ पर। चलिए बताइए, विचार कीजिए, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए क्या आएगा, पहला दूसरा या तीसरा, कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा, कौन सा सही है। भारत के संविधान के सदांग रहे हैं, संविधान सदन के द्वारा जोड़े गए हैं, या अधिदेशात्मक हैं, इनमें से कौन से सही हैं। केवल दूसरा सही है, ठीक है, केवल दो सही हैं। इसका आप बताइएगा, नागरिक मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिक किसका लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहा है, फिर से देखिए यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कमेंट करें जल्दी से। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई पहले आप आंसर तो दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो। ये देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ पूछा गया प्रश्न होता है, अब आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है। मैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर कह रहा हूँ रिवाइज कर लो बेटा, यहाँ पर रिवाइज कर लो एक बार, आप लोग समझते नहीं हैं। रिवाइज करोगे तो आपका ही बिल्कुल फायदा रहेगा टेस्ट के रूप में, ओके। क्या आएगा, अगर आप लोग पीएससी की एग्जाम की तैयारी कर ले तो हम व्यापम का पेपर ऐसे ही निकाल लोगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, कौन से संविधान से लिया गया है। देखिए एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछता है हमेशा, पर्यावरण का जो संरक्षण होता है क्या आएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है, ये कृषि से संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार पूछा गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 51(a)(48) नहीं है, ठीक है, इसका बताइए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, पर्यावरण से संबंधित नहीं है पूछा गया है। अभी तो आप लोग बताए थे 15 नंबर का जो सवाल था, ठीक है, 15वां क्वेश्चन था, उसमें बताया थे कि पर्यावरण संरक्षण किससे संबंधित था, तो आप बताए थे 51(a), ठीक है 51(a) बताए थे। इसमें क्या आएगा, I है, A है, ठीक है। चलिए क्या आएगा इसका बताइए, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सर, इसका डाउट है कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर बता देते हैं डाउट है तो। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हाँ छोड़ दीजिएगा, ये IAS का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दें, ठीक है, ये थोड़ा UPSC लेवल का सवाल हो गया है। इसका बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा संविधान निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है, तो मूल कर्तव्य सम्मिलित है, देखते हैं, पहला नैतिकता के सिद्धांत, भारत की प्रसंभूता एकता और अखंडता, या हमारी सामाजिक संस्कृति विरासत का आदर करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हिंसा का त्याग करना, कूटबद्ध देखते हैं यहाँ पर, चलिए क्या आएगा, कूटबद्ध है आपका सिर्फ 2, 3 और 4, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संबंधित है आपका हो जाएगा 2, 3 और 4, जो कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता बनाए रखना, उसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति समृद्ध विरासत का आदर करना, सर्वाधिक संपत्ति रक्षा हिंसा का त्याग करना, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है क्या क्या, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, अभियान करने पर राष्ट्र सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार के प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति समृद्धि करना, क्या आएगा, क्या आएगा, सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 1, 2, 3, 1, 2 और 4,
इसमें 39 लोगों का आंसर आया है। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, जो पूछा गया था वो क्वेश्चन में लाया था। हाँ, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्लास लाना है? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टि से। चलिए मैं जलप्रपात से क्वेश्चन ला दूंगा, नदियाँ अफवाह तंत्र से क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है? कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत